हाँ दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ 2 डिजिट और 3 डिजिट का मैजिक नंबर्स पर, और मैं 4 डिजिट पे वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने मिस्टर दत्ता राय रामचंद्र के ऑपरेटर के सिद्धांत को मैंने रेफर किया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्टर दत्ता राय रामचंद्र जो 1905 में पैदा हुए थे, 1986 देवलाली महाराज को उनका डेथ हुआ। स्कूल टीचर थे पेशे से, महाराष्ट्र के डहाणू में के रहने वाले थे। और इसमें मैं बताऊंगा, कभी भी आप 4 डिजिट का कोई नंबर्स लेते हैं और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में माइनस करके आप जब लिखते हैं तो रिजल्ट हमेशा 5 स्टेप्स के बाद तकरीबन 9617 4 आता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर सभी नंबर्स एक ही अंकों के होंगे, एक ही डिजिट के होंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। दूसरा जो है, मैंने कहीं देखा नहीं था, मिस्टर रामचंद्र कापलेकर ने कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने अपने प्रैक्टिकल बेस पे मैंने ये थ्योरी निकाली है और ये इसमें ये काम नहीं करता। अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट अगर सेम नंबर का होगा और चौथा डिजिट का डिफरेंस और ये जो 3 डिजिट है इनका अंकों का डिफरेंस अगर -1 या +1 होता है तो रिजल्ट 999 में आ जाता है और यह फार्मूला काम नहीं करता है। बाकी जितने भी हैं सब जगह 6174 ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1000 लिया हुआ है, इसको डिसेंडिंग कर दिया 1000, असेंडिंग कर दिया 1, रिजल्ट आ गया 999। तो इसमें ये काम नहीं कर रहा। अगर हमने इसे 1001 ले रहे हैं तो ये काम कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है 1100, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है 011, यानी कि 11 हो जाता है। 1000 में से 11 माइनस करने पे 1089 रिजल्ट आता है। 1089 को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 9810, और इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा 0189। जब इसे हम उस 9810 में से हम 0189 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 9621। फिर ये 96121 को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 9621, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 1269। नाइन सिक्स टू वन और 1269 में से हम जब माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 835। एंड रिजल्ट आपका जो है वो 6174 आता है। मैक्सिमम 7 स्टेप्स में ये रिजल्ट आ ही जाता है। मैंने 1000 से लेकर सभी नंबरों को प्रूव करने के लिए कोशिश किया हुआ है। 1002 लेते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया 2100, और इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 012, और 2100 में से 2100 में से 12 माइनस करने पर रिजल्ट आता है 2088। तो हम 208 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं 8120 और 288। जब 8820 में से 288 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 8532। 8532 को हमने यहाँ पे लाया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 8532, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर 2358 अंक नंबर मिलता है, इसको उसमें से माइनस किया हमने 6174, रिजल्ट 6174 आना चाहिए। आप कोई भी नंबर लेंगे रिजल्ट 6174 ही आएगा। ये मिस्टर दत्ताराम रामचंद्र कापलेकर का थ्योरी है और 7 स्टेप्स में आते हैं। मैंने इसको एक्सेल में, मैथ है मैथमेटिकली, इसको मैंने एक्सेल में प्रूव करने की कोशिश किया है, जिसमें मुझे उनके एक एक्सेप्शनल केस मिला है कि अगर आप कोई भी 3 डिजिट सेम अंकों का होगा, 4 डिजिट का डिफरेंस और 3 डिजिट का डिफरेंस 1 या -1 हो तो रिजल्ट हमेशा 999 आ जाता है, जैसे 1011। हम देखेंगे तो इन नंबरों पर ही ये फार्मूला काम नहीं करता। मैंने एक्सेल में से बना के रखा हुआ है 1011, 11011, 1101, 1111, 1000, क्योंकि इसमें जो अंकों का 3 अंक सेम है और जो 4th अंक है उसका डिफरेंस 1 या -1 है, जैसे 666 यहाँ पर है और 1 5 है।
सिक्स में से फाइव का डिफरेंस वन या माइनस वन आ रहा है। तो जिस इस तरह होंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।